हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सिक्स की इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर एट और चैप्टर का नेम है हनुमान एंड आई और इसकी जो राइटर है उनका नाम है रूपा गुप्ता। यह चैप्टर एक प्ले है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्ले जो होता है, एक नाटक जो होता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो प्ले है ये स्कूल में चल रहा है और इसमें स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। स्टार्टिंग में इसके प्री रीडिंग टास्क है। फर्स्ट पॉइंट है, हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ परफॉर्मिंग ऑन स्टेज? क्या आपने कभी स्टेज पर परफॉर्म करने का ड्रीम देखा है? और सेकंड पॉइंट है, इफ यू आर आस्क्ड ऑल ऑफ अ सडन टू परफॉर्म इन द एनुअल डे प्रोग्राम, विल यू परफॉर्म सक्सेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली? कि यदि आपसे एनुअल डे प्रोग्राम में अचानक से परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो क्या आप सक्सेसफुली और कॉन्फिडेंटली उसको परफॉर्म कर पाएंगे? रिफ्यूज टू परफॉर्म विदाउट प्रैक्टिस, या बिना प्रैक्टिस किए ही उसको मना कर देंगे? परफॉर्म नर्वसली, और या फिर आप नर्वसली परफॉर्म करेंगे? तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। रूपा, अ स्मॉल गर्ल, हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्ट ऑन स्टेज। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। रूपा एक छोटी सी गर्ल है और वो स्टेज पर रोल प्ले करना चाहती है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी डिजायर है, वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। लकली शी गेट्स अ चांस टू एक्ट ऑन स्टेज ऑन द एनुअल डे, और लकीली उसको एनुअल डे पे स्टेज पर रोल प्ले करने का चांस भी मिल जाता है। डज शी परफॉर्म वेल, रीड द प्ले एंड फाइंड आउट। क्या वो अच्छे से अपना रोल प्ले कर पाती है, परफॉर्म कर पाती है? चलिए रीड करते हैं इस प्ले को और फाइंड आउट करते हैं। इस प्ले के करेक्टर्स हैं, इसमें टीचर हैं, रूपा है, अनु रूपास फ्रेंड, अनु जो है वो रूपा की फ्रेंड है, सुमन इसमें राम का रोल प्ले कर रही है, राधिका सीता बन रही है, अलका हनुमान का रोल प्ले कर रही है, और रावण है और चौकीदार है। तो ये इस प्ले के मेन करेक्टर्स हैं। ये प्ले स्टार्ट सीन वन से होता है। सीन वन देखते हैं, अ सीन इन अ क्लासरूम, और ये जो सीन है ये क्लासरूम में स्टार्ट है। इसमें अनु बोलती है, डू यू नो रूपा, प्रिपरेशंस हैव बिगन फॉर अ स्कूल एनुअल डे। अनु कहती है रूपा से कि जो हमारे स्कूल का एनुअल डे है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रूपा, फिर रूपा आंसर देती है, यस जूनियर सेक्शन इज गोइंग टू इनेक्ट द स्टोरी ऑफ राम। रूपा कहती है कि जूनियर सेक्शन स्टोरी ऑफ राम, राम की कहानी को प्ले करने जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देने जा रहा है। इस पर अनु बोलती है, राधिका वुड सर्टेनली गेट सीताज रोल, शी इज सो प्रेटी। वो कहती है कि जो राधिका है उसको जरूर सीता का रोल मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। रूपा, आई विश आई कुड गेट रामाज रोल। पर रूपा जो है उसकी इच्छा यह है, वो कहती है कि काश कि मुझे राम का रोल मिल जाता। अनु, यू आर शॉर्टर देन राधिका एंड हैव अ श्रिल वॉइस, आई डोंट थिंक द टीचर विल गिव यू रामाज रोल। इस पर अनु बोलती है कि तुम जो हो राधिका से छोटी हो हाइट में, और तुम्हारी जो वॉइस है श्रिल वॉइस है। श्रिल होती है पियर्सिंग वॉइस, चुभने वाली, जोर से जैसी आवाज होती है उसको श्रिल वॉइस बोलते हैं। अनु कहती है कि और मुझे भी नहीं लगता कि जो टीचर है वो तुम्हें राम का रोल देगी। रूपा, आई रियली वॉन्ट टू एक्ट इन द प्ले, आई एम श्योर दैट वंस ऑन द स्टेज आई वुड गिव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। रूपा कहती है कि मैं सच में ही नाटक में एक्ट करना चाहती हूँ, इस प्ले में परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि एक बार अगर मैं स्टेज पर आ गई तो मैं ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दूंगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। अनु, वेल व्हाई डोंट यू टॉक टू द टीचर, शी माइट गिव यू लक्ष्मण्स रोल। तो अनु कहती है कि तुम टीचर से क्यों नहीं बात करती,
हो सकता है कि वे तुम्हें लक्ष्मण का रोल दे दें। रूपा, ओ रियली, हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी एक्टिंग ऑन स्टेज विद अ बो एंड एरो स्लंग ऑन माई शोल्डर्स। तो इस पर रूपा को बहुत अच्छा लगता है, वो एक्साइट हो जाती है और वो कहती है कि कितना एक्साइटिंग होगा जब मैं अपनी शोल्डर पर एक बो और एरो, जो धनुष बाण होते हैं, उनको अपने कंधे पर लटका कर रखूंगी और स्टेज पर प्ले कर रही होंगी। हाउ सरप्राइज माई पेरेंट्स वुड बी, आई कैन ऑलमोस्ट हियर माई फादर सेइंग, वी हैव सच ए टैलेंटेड डॉटर। और वो अपने थोड़ा सा ड्रीम में खो जाती है और वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स कितने यह देखकर सरप्राइज्ड होंगे, उनको बड़ा आश्चर्य होगा। और मैं अपने फादर को ही कहते अभी भी सुन सकती हूँ कि वो कह रहे होंगे वी हैव सच ए टैलेंटेड डॉटर, कि हमारे कितनी टैलेंटेड डॉटर है, कि हमें एक टैलेंटेड डॉटर मिली है। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। इसके बाद जो टीचर है वो क्लासरूम में एंटर करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर जो हैं बच्चों के साथ मिलकर बातें कर रही हैं। प्यूपिल्स, प्यूपिल्स होते हैं शिष्य, जो बच्चे हैं वो मैम को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई हैव समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू टुडे। आई एम गोइंग टू असाइन ऑल ऑफ यू सर्टेन रोल्स इन द प्ले द स्टोरी ऑफ रामा। टीचर सबको गुड मॉर्निंग बोलती हैं और वो कहती हैं कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ एक्साइटिंग है और मैं तुम्हें राम की स्टोरी के लिए कुछ रोल देने वाली हूँ। सुमन, यू विल प्ले द रोल ऑफ रामा। वो सुमन से कहती हैं कि तुम राम का रोल प्ले करोगी। राधिका, यू विल बी सीता। अलका, यू विल बी हनुमान। राधिका को कहती हैं कि तुम सीता बनोगी और अलका हनुमान का रोल प्ले करेगी। नेहा, यू विल इनेक्ट लक्ष्मण्स पार्ट। और नेहा को वो लक्ष्मण का पार्ट प्ले करने के लिए बोलती है। रूपा टू अनु, डिसअपॉइंटेड, आई न्यू आई वुडंट गेट एनी रोल। रूपा जो होती है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड सी हो जाती है और वो अनु से कहती है मुझे पता था कि मुझे कोई भी रोल नहीं मिलेगा। टीचर एंड रूपा स्माइलिंग, आई हैव अ रोल फॉर यू टू, यू विल बी वन ऑफ द मंकीज इन द वानर सेना। अब जो टीचर होती हैं वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए रूपा से कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है और तुम वानर सेना में जो मंकी हैं उनमें से एक रोल तुम भी प्ले करोगी। रूपा, कांट आई एटलीस्ट गेट द रोल ऑफ हनुमान। टीचर, वो टीचर से कहती हैं कि क्या मैं हनुमान का रोल प्ले नहीं कर सकती। टीचर, नो चाइल्ड, योर वॉइस इज टू स्क्वीकी। वो उसको मना कर देती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही स्क्वीकी है। उनको उसकी आवाज़ थोड़ी सी अनप्लेजेंट सी लगती है जो हनुमान को सूट नहीं करती है। रूपा, वॉन्ट गेट इवन अ सिंगल डायलॉग देन। तो वो पूछती है कि क्या मुझे एक सिंगल भी डायलॉग बोलने के लिए नहीं मिलेगा। टीचर, ऑल यू हैव टू डू विद 7 अदर गर्ल्स ऑफ द वानर सेना इज टू जंप अप एंड डाउन एंड शाउट जय राम जय हनुमान। तो टीचर कहती हैं तुम्हें 7 और दूसरी गर्ल्स के साथ में जो वानर सेना में है उनके साथ जंप करना है ऊपर और नीचे और चिल्लाना है जय राम जय हनुमान। रूपा, जस्ट दैट मच, बस इतना ही। टीचर, यस माई चाइल्ड, इफ यू परफॉर्म योर रोल नाइसली आई विल गिव यू द रोल ऑफ हनुमान नेक्स्ट। वो कहती हैं कि यदि तुमने इस बार अच्छे से रोल परफॉर्म किया तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें हनुमान का रोल जरूर दे दूँ। अब इसके बाद सीन 2 है और ये सीन जो है बैक स्टेज का है। एट द बैक स्टेज ऑन द एनुअल डे एवरी वन इज बिजी ड्रेसिंग अप एंटर्स चौकीदार। तो बैक स्टेज पे एनुअल डे वाले दिन सब लोग तैयार हो रहे हैं तभी चौकीदार एंटर करता है। चौकीदार, टीचर समवन आस्क्ड मी टू डिलीवर दिस लेटर टू यू, हैंड्स ओवर अ पीस ऑफ पेपर। तो चौकीदार टीचर से कहता है कि किसी ने मुझे लेटर आपको डिलीवर करने के लिए दिया, आपको देने के लिए दिया है। और वो एक
पीस ऑफ पेपर जो होता है वो टीचर को पकड़ा देता है। टीचर, एन एप्लीकेशन, रीडिंग अलाउड। डियर मैडम, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट अलका हैज कॉन्ट्रेक्टेड मीजल्स एंड हैज बीन रनिंग अ हाई टेम्परेचर सिंस मॉर्निंग। तो जो टीचर होती हैं वो बहुत जोर से पढ़ती हैं, वो कहती है एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है, वो उसको जोर जोर से पढ़ने लगती हैं। उसमें लिखा होता है डियर मैडम आई एम वेरी सॉरी कि मुझे बड़ा दुख है आपको ये बताते हुए कि अलका को मीजल्स हो गई हैं, एक डिसीज हो गई है और उसको बहुत तेज बुखार आया हुआ है मॉर्निंग से। सॉरी शी नॉट बी एबल टू एक्ट इन द प्ले, और वह प्ले में एक्ट नहीं कर पाएगी, इसके लिए सॉरी है। शी सिट्स डाउन इन अ चेयर, वॉट अलका विल नॉट कम। तो इसको पढ़कर टीचर जो हैं वो चेयर पे बैठ जाती हैं और उनको बड़ा शौक से लगता है, वो कहती हैं क्या अलका नहीं आएगी, वॉट शैल वी डू, हाउ विल यू परफॉर्म, अब हम क्या करेंगे, हाउ विल वी परफॉर्म द स्टोरी ऑफ रामा विदाउट हनुमान, और हनुमान के बिना हम राम की स्टोरी कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। लुक्स अराउंड इन डिसमे एंड हर आईज फॉल ऑन रूपा, अब उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो डिसमे थोड़ा सा ग्लूम फील कर रही होती है, सैड फील कर रही होती है, तभी उनकी आईज जो होती है रूपा के ऊपर पड़ती हैं। इस पिक्चर में टीचर जो है उनके हाथ में वो एप्लीकेशन है, सब अपना रेडी हो रहे हैं। रूपा, यू लुक हेयर, यू वॉन्टेड टू बी हनुमान, डिडेंट यू, डू यू थिंक यू कैन मैनेज। तो वो रूपा से कहती हैं कि इधर देखो, तुम हनुमान बनना चाहती थी क्या, नहीं, क्या तुम इसको मैनेज कर सकती हो। रूपा एक्साइटेड, मी स्पीकिंग टू हर सेल्फ, इज माई ड्रीम कमिंग ट्रू। अब रूपा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। पहले तो वो कहती है मी, क्या मैं, और वह सोचती है कि क्या मेरा सपना पूरा हो गया। टीचर, कैन यू मैनेज इट, टीचर उससे कहती है कि क्या तुम इसको मैनेज कर पाओगी। रूपा, ऑफ कोर्स आई कैन, तो रूपा कहती है कि यस, मैं ये कर सकती हूँ। टीचर, डू यू रिमेम्बर द डायलॉग्स, क्या तुम्हें डायलॉग्स याद हैं। रूपा, नो बट आई कैन ऑलवेज थिंक अप समथिंग, नहीं लेकिन मैं सोच सकती हूँ। टीचर, ओ नो, यू शैल सर्टेनली नॉट डू एनी सच थिंग, आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स। ओ नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स, मैं स्टेज पर पीछे से बैक साइड से छुप कर बोलूंगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू रिपीट वॉट आई से, और जो मैं कुछ बोलूंगी तुम्हें इसे रिपीट करना होगा। एंड फॉर गॉड सेक डोंट मम्बल, स्पीक एज लाउडली एज यू कैन। तो और टीचर कहती हैं कि भगवान के लिए मम्बल मत करना, स्लो आवाज में मत बोलना, जोर से बोलना जैसा मैं कहती हूँ और जितना तुम जोर से बोल सकती हो। रूपा, डोंट वरी टीचर, आई विल स्पीक लाउड इनफ, वो कहती हैं कि आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जोर से ही बोलूंगी। इसके बाद सीन 3 है और ये सीन जो है स्टेज का है। द कर्टन गोज अप एंड द टीचर पुशेस रूपा ऑन टू द स्टेज। कर्टन ऊपर उठता है और टीचर जो होती है वो रूपा को स्टेज पर पुश कर देती हैं, उसको थोड़ा सा आगे धकेल देती है। शी ऑलमोस्ट फॉल्स ऑन हर फेस। अब ये जो सिचुएशन है बड़ी ह्यूमरस सी है, बड़ी हंसी दिलाने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे ही टीचर उसको थोड़ा सा धक्का देती है, वो अपने फेस के बल पर गिरने ही वाली हो रही होती है। ड्रम्स आर इकोइंग एंड हर हैंड्स एंड फीट आर कोल्ड। अब ड्रम्स बज रहे हैं और उसके हाथ जो हैं और पैर हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। शी ओपन्स हर माउथ टू से द लाइन्स बट कांट रिमेम्बर। और वो अपना मुंह कुछ लाइन्स बोलने के लिए खोलती है लेकिन वह भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं आता। रूपा, माय लॉर्ड रामा, गॉड रामा, इस तरह से वो कुछ वर्ड्स बोलती है। टीचर प्रॉम्प्टिंग, माय लॉर्ड रामा, आई एम योर सर्वेंट, आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू। तो टीचर जो होती हैं वो हनुमान के वर्ड्स बोल रही होती हैं, डायलॉग्स डिलीवरी करती हैं। वो कहती हैं कि
मेरे प्रभु राम, मैं आपका सेवक हूँ और आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू, मैं खुशी से आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। रूपा, हियरिंग द प्रॉम्पिंग हीव्स अ साई ऑफ रिलीफ, माई लॉर्ड आई एम योर सर्वेंट, आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू। अब उसको अपनी टीचर की आवाज सुनाई देती है और वो एक रिलीफ की आह भरती है, सांस भरती है, उनके वर्ड्स को रिपीट करती है। उसके बाद वो अपने टीचर के डायलॉग्स बोल देती है। रेगुलर, यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। अब वहां पर जो स्टाफ होता है उसमें से कोई कहता है कि तुम अपनी टेल को पिन करना भूल गई हो, उसको पूछ को अच्छे से लगाना भूल गई हो। रूपा, रिपीटिंग यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। अब रूपा को लगता है कि टीचर बोल रही है तो वो ही वर्ड्स वो रिपीट कर देती है, तो वो राम के सामने कहती है कि तुम अपना टेल लगाना भूल गए हो। रामा, इस पर जो राम का रोल प्ले कर रहा होता है वो कहता है, डोंट बी सिली, आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल, यू हैव फॉरगॉटन योर्स। तुम मूर्ख मत बनो, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी टेल होनी चाहिए, तुम अपनी टेल लगाना भूल गए हो। रूपा, टचिंग द स्पॉट वेयर द टेल शुड हैव बीन। और इसके बाद एक ह्यूमर से सिचुएशन क्रिएट होती है। रूपा उस जगह को देखती है, उस जगह को टच कर रही होती है जहां पर टेल लगाते हैं। इसके बाद रूपा बात को संभालती है और फिर कहती है कि आई एम सॉरी माई लॉर्ड, आई मेंट माई टेल, आई हैव फॉरगॉटन टू पिन माई टेल। तो वो कहती है कि मुझे बड़ा दुख है मेरे प्रभु, मेरा मतलब अपनी टेल से था, मैं अपनी टेल लगाना भूल गया हूँ। अ रोर ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस इज हर्ड। और उसके बाद ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगती है और ये आवाजें सुनाई देती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे टीचर खड़ी हुई है, वो वहां से डायलॉग्स डिलीवरी कर रही हैं, जिसे सुन के रूपा उन डायलॉग्स को रिपीट करती है और यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। टीचर, नाउ जंप, टीचर कहती है जंप करो। रूपा, रिपीटिंग नाउ जंप, जो रूपा है वो उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर रही है। रामा, शाउटिंग यू जंप स्टूपिड। अब जो राम है वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, यू जंप स्टूपिड, मूर्ख तुम जंप करो। रियलाइजिंग हर मिस्टेक रूपा स्टार्ट जंपिंग लाइक अ मैड पर्सन, ऑडियंस लाफ्स एंड द कर्टेन फॉल्स। अब इस पर रूपा को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वो एक पागल पर्सन की तरह इधर उधर जंप करना शुरू कर देती है। इस पर ऑडियंस को और भी हंसी आ जाती है और इस तरह से कर्टन नीचे गिर जाता है। द टीचर स्कोल्ड्स रूपा फॉर मैसिंग अप एवरीथिंग एंड टेल्स हर दैट शी वुड कट शॉर्ट हर रोल। रूपा अपोलोजाइजेस। टीचर जो है वो रूपा को डांटती है और उसको कहती है कि उसने सारा गड़बड़ कर दिया है और वो उसका रोल कट करने के लिए बोलती है। इस पर रूपा माफी मांगती है। इसके बाद सीन फोर है, द कर्टेन राइजेस, सीता एंड हनुमान आर टॉकिंग इन अशोक वाटिका। पर्दा जो है वो उठता है, सीता और हनुमान आपस में अशोक वाटिका में बात कर रहे हैं। सीता, हु आर यू, सीता बोलती हैं, तुम कौन हो। रूपा, आई एम लॉर्ड रामास सर्वेंट मदर, आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं भगवान राम का सेवक हूँ मदर और मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। सीता, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। रूपा, दिस रिंग इज लॉर्ड रामास, यह रिंग जो है यह अंगूठी राम की है, ही हैड आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, और उन्होंने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। सीता, ओ यस माई लॉर्ड रामास रिंग, हाँ मेरे प्रभु राम की अंगूठी। शी हाइड्स हर फेस इन हर हैंड्स एंड बिगिंस टू वीप, और वो अपना फेस जो है अपने हाथों से छिपा लेती है, रोना शुरू कर देती है। टीचर, प्रॉम्प्टिंग, स्पीक योर डायलॉग नाउ, स्पीक माई ब्यूटी इज माई बेन। अब वो टीचर जो होती हैं वो कहती हैं कि ये डायलॉग बोलो बोलो,
मेरी ब्यूटी ही मेरा अभिशाप है। रूपा थिंकिंग दैट इट वॉज हर टर्न टू स्पीक रिपीट्स द डायलॉग। रूपा सोचती है कि ये डायलॉग उसे बोलना है और वो ही रिपीट कर देती है। रूपा स्पीकिंग जेंटली माई ब्यूटी इज माई बेन। पर जो रूपा है वो हनुमान का रोल प्ले कर रही होती है, वो भूल जाती है और वो ही कहना शुरू कर देती है कि मेरी ब्यूटी ही, मेरी जो ब्यूटी है, मेरी जो सुंदरता है वो मेरा, मेरे लिए अभिशाप बन गई है। इट इज बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी दैट विक्ट रावण वॉन्ट्स टू मैरी मी। और मेरी सुंदरता की वजह से ही दुष्ट रावण मेरे से विवाह करना चाहता है। सीता वॉट स्टार्टल्ड। अब यहाँ पर जो सीता को रोल प्ले कर रही होती है उसको एकदम से सरप्राइज होता है। नॉट यू, यू इडियट, तुम नहीं इडियट, ही वॉन्ट्स टू मैरी मी, जो रावण है तुमसे नहीं मेरे से विवाह करना चाहता है। आई एम सीता एंड आई एम ब्यूटिफुल, मैं सीता हूँ और मैं ही सुंदर हूँ। सीइंग द स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन रूपा रियलाइजेज हर मिस्टेक। अब सीता का स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन देख के, उसके एक्सप्रेशन देख के, फेस के, रूपा अपनी मिस्टेक को रियलाइज करती है, उसे गलती अपनी पता चलती है। रूपा ओ आई मीन योर ब्यूटी इज योर बेन। रावण एंटर्स, तो रूपा कहती है ओ मेरा मतलब यही था कि आपकी ब्यूटी ही आपका अभिशाप है। तो वो थोड़ा सा संभालने की ट्राई करती है इन डायलॉग्स को। इसके बाद रावण जो है स्टेज पर एंटर करता है। कोरस वेलकम महाराजा, महाराजा इज कमिंग, रावण द ग्रेटेस्ट हियर। जो कोरस होता है, कोरस जो होता है ग्रुप होता है पीपल का, पीछे से आवाजें आती हैं, महाराजा का स्वागत है, महाराज पधार रहे हैं और महान राजा रावण पधार रहे हैं। अ ह्यूज फिगर विद अ शाइनिंग सोर्ड इन हैंड एंटर्स, और एक बड़ी सी फिगर अपने हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर एंटर करती है। रावण हु इज दिस प्यूनी क्रीचर हु डेयर्स टू इंट्रूड इनटू माय किंगडम। प्यूनी होता है वीक या स्मॉल। तो रावण कहता है कौन है ये छोटा सा तुच्छ सा प्राणी जिसने मेरे राज्य में घुसने का दुस्साहस किया। टीचर प्रॉम्प्टिंग स्पीक आई एम द सन ऑफ पवनदेव द विंड गॉड द वर्शिपर ऑफ राम द इमॉर्टल हनुमान। तो टीचर पीछे से बोलती हैं कि जो हवा के देवता हैं पवनदेव, मैं उनका पुत्र हूँ, राम का सेवक, पूजा करने वाला, राम को मानने वाला, द इमॉर्टल हनुमान और अमर हनुमान। रूपा स्टैंड्स डम्ब एंड लुक्स अबव एट रावण हु इज टावरिंग ओवर हर। अब जो रूपा होती है वो पजल सी हो जाती है, वो रावण को देखती है क्योंकि जो रावण था बहुत ऊंचा और लंबा था, वो बिल्कुल कुछ कह ही नहीं पाती है। रावण इन अ थंडरिंग वॉइस हु इज दिस स्मॉल क्रिएचर रेजेस हिज शाइनिंग सोर्ड टू अटैक हनुमान। और रावण चिल्लाता है कौन है ये तुच्छ सा प्राणी, और वो अपनी चमकती हुई तलवार को हनुमान पर आक्रमण करने के लिए उठाता है। रूपा स्क्रीम्स इन टेरर, अब वो देख के डर जाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। नो नो आई एम नॉट हनुमान, मैं हनुमान नहीं हूँ, डोंट किल मी, मुझे मत मारो। पुलिंग हर मास्क ऑफ और अपना मास्क उतार देती है। आई एम नॉट हनुमान, मैं हनुमान नहीं हूँ। सी आई एम रूपा, मैं रूपा हूँ एंड नॉट अलका, और अलका भी नहीं हूँ। द ऑडियंस रोल्स विद लाफ्टर एंड एन इन्फ्यूरेटेड टीचर कम्स ऑन स्टेज एंड ड्रैग्स रूपा ऑफ द स्टेज। और ये देख के ऑडियंस सारी हंसते हंसते रोल हो जाती है और टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में स्टेज पर आ जाती है और रूपा को खींचते हुए स्टेज से ले जाती है। इस तरह से इस नाटक का अंत हो जाता है। इस प्ले का जो एंड है बड़ी ही ह्यूमरस सिचुएशन के साथ होता है। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।